मुझे काफ़ी दिनों से डाउट था कि बिल्ली ने हमारी बेसमेंट में बच्चे दिए हुए हैं, तो इसलिए आज मैं इधर टीवी लाउंज में लेटा हुआ था कि जैसे ही आज बिल्ली नीचे जाएगी उनको दूध पिलाने हैं, तो उसके पीछे जाके मैं ढूंढ लूँगा कि बच्चे उसने किधर छुपा के रखे हुए हैं। तो जैसे ही आज बिल्ली नीचे गई है तो मैं फ़ौरन ही भाग के बिल्ली के पीछे आया छुप छुप के, तो बिल्ली सीढ़ियों से नीचे चले गई। तो मैं भी बेसमेंट में बिल्ली के पीछे जाता रहा कि आज देखता हूँ कि बिल्ली ने बच्चे किधर दिए हुए हैं, क्योंकि हमने बेसमेंट को स्टोर के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है, तो इधर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था, तो इसलिए इधर छुपने की बहुत सारी जगह थी, इसलिए हमको बच्चे मिल नहीं रहे थे उसने किधर छुपा के रखे हुए हैं। तो आज जैसे ही मैं बिल्ली के पीछे गया हूँ तो बिल्ली एक जगह पे छुप गई। जैसे बिल्ली अपने बच्चों के पास गई है तो वो उनके बोलने की वजह से मुझे बिल्ली के बच्चे मिल गए। बिल्ली ने इस पेटी के नीचे एक डब्बा था गत्ते का, उसमें बच्चे दिए हुए थे। ये चेक करें जी, ये फाइनली हमको बिल्ली के बच्चे मिल चुके हैं। ये बिल्ली गत्ते के क्वार्टर में बैठी हुई है, बड़े आराम से चेक करें कितने सुकून से ये बैठी हुई है। और इसके बेबीज इसके नीचे छुपे हुए हैं, जिनको ये दूध पिला रही है, जिनको ये फीड करवा रही है। तो चेक करें नन्हे मुन्ने से कितने क्यूट क्यूट से बेबीज़ हैं। तो ये बेचारे सुबह से भूखे हैं, क्योंकि ये सिर्फ रात को ही इनके पास आती है, इनको रात को ही फीड करवाती है, दूध पिलाती है। तो इसलिए हम इन इसके ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे कि कहीं ये डर के भाग ना जाएं या हम पे हमला ना कर दे, क्योंकि माँ माँ ही होती है, तो जब ये बच्चे देती हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक हो जाती है ये। इसलिए इसके ज़्यादा हम करीब नहीं जाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बच्चे दिखाने की। इसके थोड़ा सा करीब हो गए, ये चेक करें कैसे आवाज़ें निकाल रहे हैं, कैसे दूध पी रहे हैं, कितनी स्पीड से लगे हुए हैं। ये देखें, ये हमें डरा रही है कि हमारे ज़्यादा करीब मत आओ। ये देखें कैसे आवाज़ें निकाल रहे हैं। देखिए कितनी स्पीड से, कितने कैसे लगे हुए हैं, कितने शौक से दूध पी रहे हैं। ये आवाज़ें सुन के ही मैंने इनको ढूंढा है। ये देखें, ये अब चले जाएगी, इसने ये बिल्ली साइड पे चले गई है इनको छोड़ के, क्योंकि हम थोड़ा सा इसके करीब हुए हैं तो वो डर के साइड पे हो गई है। तो ये चेक करें माशाल्लाह, ये चार बच्चे हैं इसके, चार बेबीज़ हैं, दो प्योर ब्लैक हैं, तो दो हैं डार्क ब्राउन जो मैं आई थिंक अपनी माँ पे गए हैं, जो बिल्ली जैसे हैं, दो फिर गए होंगे बाप पे। जो चार बच्चे हैं ये तो बिल्कुल नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, इनकी तो भाई आंखें भी नहीं ओपन हुई। चेक करें इनकी भी आंख ही बंद है। ये आई थिंक कुछ 4 से 5 दिन के बच्चे हैं, क्योंकि 4-5 दिन से बिल्ली नीचे जा रही थी। ये चेक करें, अभी ये दूर नहीं गई, उनके पास ही खड़ी है, क्योंकि वो देख रही है कि हम इनको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाते, हम इनको कुछ कहते तो नहीं है। ये देखें, ये अभी इनके पास ही खड़ी है, कहीं दूर नहीं गई, तो अभी इनकी आंखें भी नहीं ओपन हुई। तो हमने सुना है कि अगर बिल्ली के बच्चे कोई देख ले या बिल्ली के बच्चों के पास कोई चला जाए तो बिल्ली अपने बच्चों की जगह चेंज कर लेती है, ये इनको मुंह में उठा के ले जाती है। कोई इनको होता है कब इधर खतरा है, ये जगह का अब लोगों को पता चल गया, ये जगह से बिल्ली अपने बच्चे दूसरी जगह पे कन्वर्ट कर देती है। तो देखते हैं कि आज ये बिल्ली ऐसा करती है, ये भी बिल्ली अपने बच्चे उठा के लेके जाती है या नहीं। ये चेक करें कैसे इसकी आंखें चमक रही हैं, देखें चेक करें अपने बच्चों को देख रही हैं, बच्चे भी कैसे मस्ती कर रहे हैं, मस्ती में खेल रहे हैं। तो अभी ये भूखे हैं, ये देखें जो हमारा शक था वो बिल्कुल सही हुआ है। हम थोड़ा सा साइड पे गए हैं तो बिल्ली ने एक बच्चा अपने मुंह में उठा के ना एक साइड पे ले गई है उसको दूसरी जगह पे रखने के लिए। ये देखें इसने अपने मुंह में एक बच्चा दबोचा हुआ है, लेकिन जैसे ये शिकार करती है वैसे नहीं इसने बच्चा पकड़ा हुआ, इसने इतने प्यार से बच्चा पकड़ा है गर्दन से कि उसको इसके दांत वगैरह जख्म वगैरह ना हो। ये देखें कैसे इसने मुंह में बच्चा लिया हुआ है, ये देखें ये एक एक करके भी बच्चे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रही है। ये देखें ये तीन बच्चे अभी क्वार्टर में वैसे ही पड़े हैं, जब हम दोबारा आए हैं पास देखने ना तो तीन बच्चे क्वार्टर में हैं, और एक बच्चा जो उठा के ले के जा रही थी लेकिन हमने फिर देख लिया तो ये उधर वापस आके फिर अपने पुराने बच्चों के पास बैठ गई है। और ये देखें इसने बच्चा अब छोड़ दिया है, तो पहले इसके मुंह में था तो अब बच्चा इसने अब छोड़ दिया है, ये बच्चा अब इसका दूध पी रहा है। देखें बाकी बच्चे शोर डाल रहे हैं। ये हम थोड़ी देर बाद वापस आए हैं तो चेक करें क्वार्टर में एक भी बच्चा नहीं पड़ा, डब्बे में से सारे बच्चे गायब हैं। पहले इधर बच्चा लेके बैठी थी अपना ये बेबी,
इधर भी अब नहीं बैठी, ये सारे बच्चे इधर से ले जा चुकी है। मैंने पूरी बेसमेंट चेक की है, पूरी बेसमेंट में मुझे कहीं भी कोई बच्चा नज़र नहीं आया। ये इधर से सारे बच्चे अपने इतनी बारीकी से, इतनी नफासत से उठा के लेके गई है कि हमें पता ही नहीं चला। ये रातों रात चारे चारों बच्चे अपने इसने किसी दूसरे घर में अब शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये बिल्ली 7 घर चेंज करती है। तो अब ये किसी और जगह पे ले गई है, किसी और के घर में ले गई है, जिधर किसी को पता ना चले कि इसके बेबीज़ हैं। तो जब तक इनकी आंखें ओपन ही होती है, ये खुद खाने पीने लेने लग जाएंगे, ये ऐसे ही इनकी हिफाजत करती रहेगी। मैं तो अभी सोच रहा था कि बच्चे इधर ही होंगे, मुझे ब्लैक वाला एक बच्चा बड़ा ही पसंद आया था, तो मैंने सोचा था उसको मैं खुद रख लूँगा, लेकिन खैर किस्मत तो देखें। ये हमारी सोच, हमारा आइडिया बिल्कुल सही निकला कि बिल्ली अपने बच्चे इधर से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देगी, तो इसने ऐसा ही किया है। तो पूरी बेसमेंट में कहीं भी कोई बच्चा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फ़िलहाल के लिए दे इजाज़त और बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा। बिल्ली के बच्चे तो हमें मिले नहीं, खैर दोबारा ये अगले साल फिर इधर ही आएगी और फिर इधर आके ये बच्चे देगी। ये इस बार इसने दूसरे साल बच्चे दिए हैं, ये हर साल इधर ही अपने बेबीज देती हैं। तो अब देखते हैं अगले साल ये आती है कि नहीं आती। खुदा हाफिज़।